सबसे पहले ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्थिति है अभी विश्रामपुर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि लगातार आप घूम रहे हैं और ये कांग्रेस का ही सीट रहा है, तो अब आपको क्या लग रहा है इस बार? हम लोगों के पास जा रहे हैं और यहाँ पर इतना समस्या है कि सब निगाह रखे हुए कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ही समझे कि यहाँ विश्रामपुर विधानसभा में निदान निकाल सकता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस के भी विधायक रह चुके हैं यहाँ जयदेव दुबे जी, और भाजपा से भी विधायक रह चुके हैं, अब चूंकि आप कांग्रेस से नए प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारे माननीय गार्जियन हैं श्री चंद्रशेखर दुबे जी, और उन्होंने जनता के बीच में जो लगाव था अभी भी हम जाते हैं तो उनका प्यार अभी भी बरकरार है, लेकिन एक जो अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी, आप भी देखिए पत्रकार बंधु लोग हैं, आप जाकर और सिर्फ रामचंद्र चंद्रवंशी का नाम लीजिए तो समझ जाइए कि वहां पर सम्मान मिलता है कि क्या मिलता है। अभी हम गए हुए थे आपके दुबे तहले तो सुना कि भाई सुधीर चंद्रवंशी, और उस समय इतना व्याकुल हो गया, इतना मतलब लगा कि लड़ जाएगा वो, समझे? तो हम बोले कि नहीं हम दारू पियेंगे, हम बोले कि ऐसा है ना कि हम दूध दे सकते हैं लेकिन वोट के लिए मैं दारू नहीं दे सकता हूँ, समझे? और लोग तो इंतजार में है, सबको चिट्ठा बना के रखे हैं कि मुर्गा इतना क्विंटल, दारू इतना क्विंटल, फलना फलना लन फल चिट्ठा निकाल के रखे हुए हैं। अभी समय आने वाला है और मैं प्रेस के माध्यम से, मैं आप लोग का सहयोग से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सुधीर चंद्रवंशी दूध पिला सकता है, दारू के लिए तो मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, समझे? और वहां पर जैसे फिर बाद में सुना कि यह जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है तो उन्होंने आया और हमको पैर धर लिया कि नहीं भैया गलती हो गया, हम रामचंद्र चंद्रवंशी का परिवार समझ के हम आपके साथ उलझ गए थे, समझे? बैंक स्टाफ थे कि हम रामचंद्र चंद्रवंशी के परिवार समझ के आपसे उलझ गए थे, माफ कीजिएगा, बार बार कहे माफ कीजिएगा, हम कहते ऐसा कोई बात नहीं है, समझे? कहीं कि हम मजाक में बोले थे कि दारू हम पीने के लिए। यदि विश्रामपुर की जनता आपको मौका देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या करेंगे क्षेत्र की जनता? पहला प्राथमिकता होगा कि मैं गांव-गांव जाकर बैठूंगा, उन लोग से राय लूंगा, और सबसे पहले तो जो यहां पर इतना उपजाऊ जमीन है उसका सिर्फ सिंचाई का व्यवस्था हो जाए, उसके लिए मैं विधानसभा में जाकर पीछे कुर्सी बैठूंगा नहीं, मैं उसके लिए आवाज बनाऊंगा, गरीब वंचित असहायों के लिए, सर्व समाज के लिए मैं एक इतिहास बनाऊंगा। आगामी जो 13 नवंबर को वोटिंग होना है, क्या जनता से अपील करेंगे आप? जनता से ही अपील करेंगे कि एकदम साफ सुथरे मेरे बारे में, अभी 10 दिन है, मेरे बारे में पता कर लीजिए कि मैं एक सेना का बेटा हूं, और आप भी जानते हैं कि सेना पर कोई आदमी आज तक मतलब 95% कोई दाग नहीं लगा है, और मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे पिता ने देश के लिए लड़ा, मैं एक छोटा सा कस्बा के लिए वह मान सम्मान के लिए मैं लड़ता रहूंगा, और 5 साल मैं क्षेत्र में ही नजर आऊंगा।